चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन, जो कि कंपाउंड्स के एसिडिक करैक्टर को डिफाइन करने के लिए हम यूज करेंगे भैया। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, खासतौर पे आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके डेरिवेटिव्स होते हैं, उनमें आपका एसिडिक करैक्टर डिफाइन करने के लिए हम इंडक्टिव इफेक्ट फिनोमेना का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। तो कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से एसिड्स के एसिडिक करैक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक जनरल कंसेप्ट आपको डिफाइन करता हूं। देखिए, सपोज आपका एक कोई आर्गेनियस एसिड है, आर्गेनियस एसिड समझते हैं ना, जो एक्वस मीडियम में H+ आयन को रिलीज करते हैं, वो कहलाता है आर्गेनियस एसिड। सपोज ये आपका एक क्या है, आर्गेनियस एसिड, ये एक्वस मीडियम में क्या कर रहा है, आपका H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो क्या बनेगा, A नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आते हैं ना। अब कोई एक्वस मीडियम में है तो H3O पॉजिटिव आयन भी लिख सकते हैं इसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये एक्वेटेड एनायन लिख देंगे। तो यहां पे जो भी है आप जनरल में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं। फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के लिए के ए एसिड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के ए कह सकता है, इक्वल टू कितना हो गया, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ए नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन इनटू एच प्लस आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए एच कंसंट्रेशन, इक्वेशन नंबर ये वन हो गया। ठीक है ना, इतना तक। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू किसके, के, इक्वेशन नंबर टू। मींस जितना ज्यादा आपका के होगा भैया इस पर्टिकुलर आर्गेनियस एसिड के लिए, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। के कब ज्यादा होगा भैया, जब आयनों का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तब आपका के ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना इसके। और आयनों का कंसंट्रेशन कब ज्यादा होगा भैया, जबकि ये जो एनायन बना हुआ है ये मोर स्टेबल इन नेचर होगा। कि जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा बैकवर्ड जाने के चांसेस क्या होंगे, स्टेबल होगा तो H+ के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड नहीं जाएगा ना, तो बैकवर्ड जाने के चांसेस क्या होंगे, उतने कम हो जाएंगे। तो सॉल्यूशंस में आयन कंसंट्रेशन क्या रहेगा, उतना ज्यादा रहेगा, तो के ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या रहेगा आपका ज्यादा। तो यहां से आप एक कॉमन स्टेटमेंट आप दे सकते हैं कि आर्गेनियस एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ उस एसिड के डी प्रोटोनेशन, एच प्लस निकलना मतलब डी प्रोटोनेशन के बाद बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी का फंक्शन होता है, कह सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जिस एसिड के डी प्रोटोनेशन के बाद बनने वाला एनायन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखेगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गेनियस एसिड्स इज द फंक्शन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कंजुगेट एनायन, इस एसिड का एनायन कंजुगेट हुए, कंजुगेट एनायन की स्टेबिलिटी का फंक्शन होता है आपका। इतनी बात सबको समझ में आ जाएगा ना। देन अब हम आते हैं भी आपका इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है, देखिए केस वन, पहला केस क्या कहता है, सपोज आपका आर्गेनियस एसिड में आपका प्लस आइफेक्टिन ग्रुप प्रेजेंट था, इसके अंदर प्लस आइफेक्टिन ग्रुप प्रेजेंट था तो इसमें भी तो प्लस आइफेक्टिन ग्रुप प्रेजेंट होगा, कंपाउंड में से हम केवल क्या निकाले हैं, एच प्लस को निकालेंगे, ये कंपाउंड था उसमें से केवल एच प्लस निकला, मान लिया कोई प्लस आइफेक्टिन ग्रुप इस कंपाउंड में था तो वो प्लस आइफेक्टिन ग्रुप इसमें भी तो होगा ही, एच प्लस तो प्लस आई ग्रुप नहीं होता ना, एल्काइल ग्रुप होते हैं जनरली प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप, तो आपका वो यहां है तो इसमें भी वो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक हो गया, वो प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप यहां पे क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा भैया, चार्ज बढ़ेगा तो लेस स्टेबल हो जाएगा, स्मॉलर चार्ज मोर स्टेबिलिटी कंसेप्ट होता है ना, चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा, चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, तो लेस स्टेबल होगा तो ये रिएक्शन करके बैकवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, बैकवर्ड आ जाएंगे तो आयन कंसंट्रेशन कम, के कम, ये प्रोपोर्शनल इसके तो ये कम होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप
या जितना पावरफुल प्लस इफेक्टिंग ग्रुप आरएनएस एसिड्स के अंदर प्रेजेंट होगा उसका एनायन उतना लेस स्टेबल होगा, या ये गलत, उसके एनायन पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां यहां पर वो क्या है, ये कंपाउंड में से एच निकला तो जो एनायन बना उसमें क्या करेगा, प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है तो ज्यादा देगा तो नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, तो ये एच प्लस को लेकर के बैकवर्ड जाएगा तो ये कम के कम एसिड स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, प्लस आई इफेक्टिंग ग्रुप का नंबर या पावर बढ़ रहा है कंपाउंड में तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम आ रहा है। इसका मतलब एक स्टेटमेंट आ गया कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर और पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप्स। ठीक है, कंपाउंड में जितना ज्यादा नंबर या जितना पावरफुल प्लस आई ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना कम होगा। ठीक है, पूरा आप कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं इसका एक एग्जांपल आपको शो कर देता हूं, सीएसटी ये ना, देखिए सीएसटी सीओओ एच ये, तो इसका एनायन क्या बनेगा, सीएसटी सीओओ नेगेटिव, चलो एच प्लस को नहीं लिखते हम फिलहाल, इतना लिखते हैं सीएसटी सीएच टू COO H CSC CH2 COO negative third one CSC CH2 CH2 COO H, तो यहां से बनेगा CSC CH2 CH2 COO negative। चलो इनके एसिडिक स्ट्रेंथ को हमने कंपेयर करना है, ये इनके हैं एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, तो तीनों में से मोस्ट एसिडिक कौन होगा ये डिफाइन करना है। देखिए तो यहां पे आपका सीएसटी है डोनर, यहां पे इथाइल है, यहां प्रोपाइल ग्रुप है, तो हमने कहा कि कार्बन नंबर ज्यादा है तो प्लस आई पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, प्लस आई पावर ज्यादा होगा, देने की पावर ज्यादा होगी तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इसका ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या होगा, लेस स्टेबल हो गया, तो जो साथ में एच प्लस निकला उसके साथ ही कंबाइन होकर बैकवर्ड ज्यादा जाएगा, तो बैकवर्ड जाएगा तो आयनों का कंसंट्रेशन कम, के कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम। तो आप कह सकते हैं जैसे जैसे नीचे को आ रहे हैं तो प्लस आई पावर क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का बढ़ रहा है तो आपका नेगेटिव चार्ज भी बढ़ेगा क्योंकि ये डोनेट करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी कम होगा तो बैकवर्ड आएंगे तो आयनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, तो आयनों का कंसंट्रेशन कम तो के कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, के और एसिडिक स्ट्रेंथ इनके लिए होगा, स्टेबिलिटी चार्ज और जो कंसेप्ट है उसके लिए। ठीक है ना, इतना देन केस नंबर टू क्या हो जाएगा भी आपका, यहां से दूसरा केस देखिए, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर और पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप्स। सपोज कंपाउंड में माइनस आई ग्रुप है तो मान लिया हाइड्रोजन है कोई, तो वो हेलोजन यहां पर होगा, हमने तो H प्लस निकाला ना, हेलोजन थोड़ा निकाला हमने, तो आपका एसिड के कंजुगेट एनायन में भी आपका माइनस आई होगा, वो माइनस आई क्या करें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं, माइनस आई का काम क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना, विड्रॉ करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो एच प्लस के साथ रिएक्शन करके बैकवर्ड नहीं जाएगा ना, तो आयनों का सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ज्यादा बने रहेगा, तो ये ज्यादा बने रहेगा तो के ज्यादा आएगा, के ज्यादा आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या आएगा आपका, ज्यादा आएगा। ठीक है, कहने का मतलब जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप सॉरी माइनस आई ग्रुप या जितना पावरफुल माइनस आई ग्रुप उसका एनायन उतना ज्यादा स्टेबल, एनायन उतना ज्यादा स्टेबल होगा तो क्या होगा, स्टेबल होगा तो सॉल्यूशन में बने रहेंगे, बैकवर्ड नहीं जाएंगे, तो ये बने रहेंगे तो ये ज्यादा होगा, के ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसलिए मैंने लिखा नंबर एंड पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होगा या किसी भी कंपाउंड का उतना ज्यादा, जरूरी नहीं है मैं तो ऐसे का एग्जाम्पल लेके चलता हूं और जो भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, सी एल सी एच टू सी ओ एच सी एल सी एच सी एल सी ओ एच सी एल सी एल सी एल सी ओ एच, यह मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है, ये नहीं होता तो सी एस थ्री होता ना, सी एस सी सी ओ एच एसिटिक एसिड होता है या एथेनोइक एसिड, ये डाइक्लोरो ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड,
इनमें से इसमें एक ही माइनस आएगा, इसका हम डी प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा, एच प्लस निकलेगा तो ये बनेगा ना, जिसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक। तो ये देखो एच प्लस निकल के एनायन ये बन गए तीन होंगे, तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन कौन सा है, लास्ट वाला, क्यों, ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, ये भी विड्रॉ करेगा, तो यहां से ज्यादा विड्रॉ करेगा ना, सॉरी यहां से ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा तो चार सबसे कम, इसमें दो ही विड्रॉइंग है, ठीक है ना, इसमें एक ही है, एक ही है तो कम विड्रॉ करेगा, दो है तो ज्यादा विड्रॉ करेंगे, तीन है तो ज्यादा विड्रॉ करेंगे, तो सबसे कम चार्ज यहां होगा, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है तो सॉल्यूशन में आयन बने रहेंगे, आयन बने रहेंगे तो के ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा, इसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ माइनस आई, इसमें एक ही माइनस आई, इसमें दो, इसमें तीन माइनस आई, तो आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा रहेगा। ऐसे आप बहुत सारे और भी कंपैरिजन, बस इतना स्टेटमेंट दिमाग में रखो, कंपाउंड को देख करके भी आप आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया लगाना है, ये तो आप एक्सप्लेनेशन करना है तो आयनाइजेशन करोगे फिर तब स्टेटमेंट क्रिएट करोगे, अदरवाइज सीधे देख करके भी आप आइडिया लगा सकते हैं, प्लस आई का नंबर या पावर बढ़ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा, माइनस आई का नंबर या पावर बढ़ है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो, लेकिन इन फैक्टर्स के साथ क्या है, ऊपर कभी कभी कोई आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस होता है या कहीं रेजोनेंस का केस होता है, वो कभी कभी डोमिनेट रहते हैं, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से काफी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज ये है, देखिए ये आपका एफ सी एस टू सी ओ एच क्लोरो एसिटिक एसिड, सी एस टू सी ओ एच क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड, आइडो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, तो इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन होगा, अब देखिए मोस्ट एसिडिक देखना है तो इसका आयनाइजेशन कर लो, चलो एफ सी एस टू सी ओ नेगेटिव, इसका भी आयनाइजेशन कर लो, सी एल सी एस टू सी ओ नेगेटिव, एक्वस मीडियम में एच प्लस आयन को रिलीज करेंगे ना, तो रिलीज करने के बाद आपका जो एनायन बनते हैं, हमने ऑलवेज एनायन पे ही वर्क करना है, जिसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ज्यादा एसिडिक है ना नेचर, बस ठीक है, तो ये एनायन को स्टडी करना है कि कौन सा एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो वो स्टडी करने के लिए इंडक्टिव लगाएंगे, तो इसमें फ्लोरीन है विड्रॉइंग, इसमें क्लोरीन, इसमें ब्रोमीन, इसमें आयोडीन, आयोडीन सबसे वीक माइनस आई होता है इनमें से, इसे बनेगा ना माइनस आई का ऑर्डर भी आपको आना चाहिए, ये सबसे वीक है तो विड्रॉ करेगा तो कम करेगा, ये थोड़ा ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये और ज्यादा विड्रॉ करेगा, ये और ज्यादा विड्रॉ करेगा, तो इसका चार्ज सबसे कम, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस एनायन और इसके साथ में निकलने वाला जो H+ आयन था उनका सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या रहेगा, ज्यादा, तो आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा तो Ka ज्यादा होता है एसिड का, मतलब करस्पॉन्डिंग एसिड का, Ka ज्यादा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी एसिड्स के लिए क्या होगा उतना ज्यादा, तो आप कह सकते हैं ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर विल बी दिस, इसको सिंपल देख के भी बता सकते थे, माइनस आई का ऑर्डर ये है तो पावरफुल माइनस आई है इसलिए एसिडिक ज्यादा हो गया, वीक माइनस आई है इसलिए एसिडिक कम होगा, ठीक है, ऐसी आपको जरूरी होना कि हैलोजन का कोई केस दे दे आपको, कोई भी केस दे तो केवल माइनस आई का ऑर्डर यदि आपको याद है तो आप एक रफ आंसर आपका क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देन एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाना है तो आयनाइजेशन करके एनायन की स्टेबिलिटी को चेक करें, जिसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल करस्पॉन्डिंग उतना ज्यादा एसिड उतना क्या एसिडिक क्या पावरफुल एसिड रहेगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ रखेगा, तो इसलिए एक जनरल कंक्लूजन कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ उसके डी प्रोटोनेशन के बाद बनने वाले एनायन की स्टेबिलिटी का फंक्शन, ठीक है ना, और उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड होगी प्लस आई और माइनस आई ग्रुप से, ठीक है, तो प्लस आई एनायन की स्टेबिलिटी को घटाते हैं इससे एसिडिक स्ट्रेंथ को भी घटाएंगे, ठीक है, माइनस आई क्या करते हैं एनायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, तो इसलिए आपका माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ को भी क्या करेंगे बढ़ाएंगे आपका, ठीक है, तो इसके अलावा फिर आप अदर कुछ क्वेश्चंस को और करने की कोशिश करेंगे, बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इस कंसेप्ट को फॉलो करके कोशिश करें तो आपको सारा क्वेश्चन आपका अप्रॉक्स सॉल्व हो जाएगा, कुछ मैंने कहा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और रेजोनेंस कंसेप्ट आपको कुछ डिफाइंड होते हैं वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको आगे जाकर के हम डिफाइन करेंगे, फिलहाल इतना देख लीजिएगा, ठीक है, चलिए थैंक यू।